लो ये सिंपल सी मेरे को वार्डरोब बनानी है, 79 इंचीस की हाइट है, 21 इंचीस का नीचे से विड्थ है और ये आपकी विड्थ 30 इंचीस है, इसको बनाना है। तो मैंने इसको सेव इमेज एज किया और इसको सेव कर लिया। अब मैं चलता हूँ स्केचअप में और स्केचअप में साथ में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड्स में जाके, ये मैंने ले लिया और इसको कर दिया साइड में। चलो अब मैं इसको स्केचअप में बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करूं, सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा, देखो पहले तो आपको सारी चीजें सोचनी है कि ये बना हुआ है ऊपर से, ये बना हुआ है नीचे से, ये बना हुआ है बीच का, ये गैप भी छोड़ना है, वो सारी चीजें लेनी है। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, क्या मेरे को वार्डरोब खोलनी है, नहीं खोलनी ना, मेरे को नो सर, वार्डरोब नहीं नो खोलनी सर, नो ना, सर, नो मैं सर, नो सर, सिंपल सा एक काम करूंगा। अब जैसे ये 21 इंच का दिया हुआ है, 21 इंच मान लो मैं लेता हूं और इसको मान लेता हूं मैं कोई 1 इंच का, इसको मान लेता हूं जी सर, ठीक है, इसके पल्ले को, तो मैं यहां से ले लेता हूं मान लो 30 इंच, इधर से ले लेता हूं कितना 21 इंचेस, ये मैंने यहां से 30 इंचेस लिया ऐसे, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूं मान लो 80 इंचेस। क्लियर है, ये मेरा बन गया ये पीछे वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। चलो एक एक हिस्से को बनाते हैं, कैसे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब पहले सबसे पहले मैं ये बना देता हूँ कि मान लो ये वाले मेरे को पल्ले बनाने हैं, सिंपल सी बात है, इसी का वर्किंग एक ओनली और कुछ रेक्टेंगल बना दूंगा। जी जी एक चलेगा तरीका देखो क्या है, ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना के एक ओके रेक्टेंगल लिया, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दिया और इसको पुश कर दिया 1 इंच, ओके, तो मेरा ये पल्ला आ गया यहाँ पे, जी ठीक ठीक है। बट कभी है कभी फिर क्या होता है कि मैं ऐसे नहीं करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास किचन की स्लैब है कोई इस तरीके से, और इसको मैंने पुश किया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जैसे वो स्टोन लगाना है, मेरे को पत्थर लगाना है, जी अब वो पत्थर लगाऊं, अब पत्थर लगाने के लिए भाई एक तो ये तरीका है कि इसको ट्रिपल क्लिक करूं, ग्रुप करूं, फिर लाइन की हेल्प से पूरी लाइन बनाऊं, उसको मैं एक्सट्रूड करूं, वो तरीका है ना एक। जी हाँ जी दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसके सरफेस को सिलेक्ट करता हूं डबल क्लिक करके, ऊपर वाले सरफेस को, और मूव कर देता हूं कंट्रोल प्रेस करके, ये सरफेस निकल गया अलग से, कॉपी हो गया, ठीक है। इस सरफेस को मैं डबल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, नहीं इसको मैं सिलेक्ट करके पुश कर सकता हूं 1 इंच, ट्रिपल क्लिक करके अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ग्रुप या कंपोनेंट, अब मैं जी इसको वापसी में यहां पे पकड़ के यहां पे मूव कर सकता हूं, बन गया मेरा स्लैब का एक हिस्सा, क्लियर है, ठीक है। ये भी ना करूं तो अगला तरीका सर क्या हो सकता है, अब कभी प्लीज सर कभी क्या होता प्लीज है कि मान लो मैं इस सरफेस को कॉपी तो कर लूं कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, बट कभी कभी क्या होगा कि कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा ढंग से, तो मैं चाहता हूं कि इसी सरफेस की एक कॉपी कर लूं और यहीं पे, समझ रहे हो। अगर मैं इस सरफेस को डबल क्लिक करके व्यू पे जाओ, एडिट पे, यहां पे एक ऑप्शन होता कॉपी, क्लिक ऑन कॉपी, और एडिट पे जाके एक ऑप्शन होता पेस्ट, अगर आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके कर्सर के साथ वो पेस्टिंग आ जाएगी, बट मैं इसका पेस्ट यहीं पे करना चाहता हूं, तो उसके लिए है पेस्ट इन प्लेस, वहीं पे पेस्ट हो जाए, बट अगर आप ऐसे पेस्ट करोगे जी तो वो तो उसके ऊपर दोबारा से आ जाएगा, तो मैं क्या करूं, पहले तो इसको बना दूं क्या ग्रुप, आप इस पे डबल क्लिक ग्रुप करो, ऊपर वाले सरफेस को डबल क्लिक करूं, यहां पे जाके कर दूं कॉपी, ग्रुप से बाहर आ जाऊं, अब कर ग्रुप दूं सर प्लेस्ड इन प्लेस, इसके ऊपर आ जाएगा अब आपका, इसको आप यहाँ पे 1 इंच पुश कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट अलग है, अब ये ऑब्जेक्ट अलग है, इसको ट्रिपल क्लिक करके आप मेक कंपोनेंट या ग्रुप जो भी है अलग से कर सकते हो, समझ गए दोनों तरीके, ठीक है। डिलीट, इस पे वापिस आ जाते हैं, इस पे भी आप सारे वही तरीके लगा सकते हो, मान लो आपने ट्रिपल क्लिक किया डिलीट कर दिया, इस सरफेस को डबल क्लिक करो, इस सरफेस को डबल क्लिक करके कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर जी सकते हो, कमांड से बाहर आओ, पेस्ट इन प्लेस कर दो, सरफेस पे आ जाएगा, इसको पुश कर दो 1 इंच, ओके, ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप बना दो, तो आपका ये बन जाएगा, क्लियर है। अब क्या करना है, बीच में एक लाइन लगानी है, डबल क्लिक करो, इसकी एडिटिंग पे जाना है, इससे मैं एक सेंटर में लाइन लगा दूं, और सेंटर में लाइन लगा के कितना एमएम का गैप होगा, होगा 2 एमएम, 3 एमएम, जी 1 एमएम मैं इधर ले लेता हूं, 1 एमएम लिख दो, अपने आप ले लेगा 1 एमएम का, बट थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा,
ठीक है, 1 mm का इधर गैप ले लो, और इधर गैप लेने के बाद थोड़ी सी मेहनत होगी कि आप विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल या लाइन यहां से आप एक रेक्टेंगल बना रहे यहां तक, ठीक है। अब इन गाइड्स का मतलब नहीं है, डिलीट मार दो, पुश कर दो इस वाले सरफेस को कहां तक, पीछे तक, 1 इंच तक ही करना है। जी आपकी एक लाइन आ गई बीच में, ये दो अलग जी अलग हो सर गया अब आपके पल्ले, जी ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट भी चाहिए, कैसा, जो बाहर की तरफ निकला हुआ मतलब हो, ठीक है। जी इसको डबल क्लिक किया, इस सरफेस को डबल क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, बाहर आए, पेस्ट इन प्लेस कर दो, और पेस्ट करने के यस बाद सर इसको पुश कर दिया 1 इंच, ओके, ये आ गया। इसके इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके पुश कर पुश दिया, करो इतना, 1 इंच ये जी है, और 1 इंच और निकाल दिया, 2 इंच कर देता हूँ, आ गए ये बाहर वाला, ट्रिपल क्लिक जी करके मैंने इसको ग्रुप कर दिया, बन गया ये वाला पार्ट। सर अब नीचे, अगर मैं नीचे देखूँ तो ये तो नीचे 4 इंच का गैप हो सकता है, तो जी जी इसको डबल क्लिक अंदर किया, पुश कर दिया, इसे कितना, 4 इंच, ऐसे ही इसे, बट 4 इंच पुश करके ये जो क्या आई हुई है ये लाइन, अच्छा वो पीछे वाले पे लगाई थी, इसको इरेज कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको, बन गया ऐसे, जी ठीक है। ये आपका इस तरीके से आ गया, ये बनाने हो तो किस तरीके से बनेंगे बताओ, रेक्टेंगल लाइन सर बस सिंपल यहां रेक्टेंगल पे एक जाओ, सूट कर देंगे इससे ले लो, कितने का होगा ये, 2 इंच का, जी जी टू सर दो इंचीज का मैंने ये ले लिया, 2 इंच इंच बाय का 8 इंच ले का होगा लिया, सर और नीचे से कितनी हाइट पे होगा ये, होगा 8 इंच का होगा सर है 8 इंच का होगा सर आठ बड़ा है तो 8 इंच का होगा, ये जी ज्यादा नहीं हो जाएगा, 2 इंच इतना बड़ा बहुत है, चलो तो आपकी मुंह पर है, कितना भी ले लो तो, सर बीच में गैप है उस, हाँ 4 फिट की हाइट तो ज्यादा हो जाएगी, 3 फिट की हाइट ले लो, हाँ इतना ही सर तीन होगा, फीट ठीक जी 3 फीट ठीक है। होगा बस अब रेक्टेंगल लेके, एक रेक्टेंगल मैंने यहां पे बना दिया, इसको पुश कर दू 1 इंच, यहां पे ट्रिपल क्लिक कर दिया, राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट, ओके, और मैं अब इसको मूव, कंट्रोल प्रेस करके यहां से मूव करके यहां पे आ गया आपका ये। अब प्रैक्टिकली देखें तो बीच में तो गैप ज्यादा है इसमें, हाँ जी सर इसमें तो गैप ज्यादा रहेगा ना, तो इसको मैं जी डबल क्लिक करके पुश कर दूंगा यहां से, कितना पुश कर दूं, मान लो ये 2 इंच था ना, तो इसको जी 1 इंच पुश कर दो, इतना चाहिए, बट ये कंपोनेंट था तो ये इस साइड से पुश हो गया, इसको सिलेक्ट किया, मूव कर दिया यहां से यहां पे, बट प्रैक्टिकली देखें तो इस तरीके का हैंडल नहीं होगा ना, क्योंकि पकड़ने जी के सर लिए खोलने का भी तो चाहिए कुछ। ग्रिप होगा सर हाँ सर साइड से अब वो होगा सर वो क्या करेंगे, फिर बना देंगे, यहां पे जाओ एक लाइन ले लो सेंटर से, बट वो कंपोनेंट है, मिरर नहीं किया वो, तो इस साइड बन जाएगी उसकी ग्रिप, इसको पुश कर दूंगा मैं इसके हाफ तक, आ गई ना ग्रिप ये, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूं, सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक, फ्लिप कर देता हूं, फ्लिप अलोंग विद कौन से एक्सिस, रेड, नहीं, राइट क्लिक, फ्लिप कर सकते हो आप, ग्रीन एक्सिस, ये देखो फ्लिप होगी ना, ये आपका हैंडल बन गया इसका, क्लियर है। अब अगर जी मटेरियल मटेरियल डालोगे इसे, आप मान लो आप कोई भी वुड का मटेरियल, मान लो ये वाला मटेरियल, इस पे डाल दिया, इस पे डाल दिया, आ गया, इस पे हो गया वाइट, इस पे मैं डाल देता हूँ वाइट कलर का मटेरियल, बैक वाले पे ये वाला मटेरियल, वो ज्यादा हो गया वुडन का मटेरियल, यहां से रूफिंग, ये लो बन गई, ऊपर वाले पे भी यही मटेरियल, बल्कि आपकी अलमारी, समझ रहे हो, आपके ऊपर है कि कैसे बनाना चाहते हो, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है।